आज हम जानेंगे चांद पर पहुंचाने वाले इसरो के सितारों के बारे में। इनके दम से आज हम चांद पर तिरंगा लहराए हैं। चंद्र विजय की खुशी में पूरे देश में विज्ञान और वैज्ञानिकों का जयगान हो रहा है। आज G14 रिसर्च उन सभी महान वैज्ञानिकों को नमन करता है जिनकी सतत प्रयासों से देश इस मुकाम पर पहुंचा है। आइए उन 10 वैज्ञानिकों को एक एक को नाम जानते हैं, आखिर किसका क्या काम था। और नंबर 1 पे जो आने वाला है वो धमाल ही है। नंबर 10 पे डायरेक्टर SS नीलेश M देसाई, इनका काम था चंद्रयान की लैंडिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए देसाई ने प्लान भी तैयार कर रखा था। नंबर 9 पे है डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से S उन्नीकृष्ण नारायण। यह नारायण मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों का विशेषज्ञ। आइए अगली बात करते हैं। नंबर 8 पे डायरेक्टर इंस्टेक्ट सैटेलाइट नेगेटिव में स्पॉट वीरेन रामकृष्ण के बारे में, यह चंद्रयान 3 के ट्रैकिंग में अहम भूमिका निभाई है। नंबर 7 पे है लंच के लिए मिशन डायरेक्टर S मोहन कुमार, इनका निर्देश में चंद्रयान ने सटीक उपग्रह प्रक्षेपण स्थिति को पूरा किया था। नंबर 6 पे है UR राव अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर M शंकर, इनके नेतृत्व में ही चंद्रयान बना। 2 साल में लगातार अलग अलग इनका भूमिका रहा है। नंबर 5 पे है चंद्रयान 3 मिशन के डिप्टी डायरेक्टर पटना के, इससे पहले चंद्रयान 2 और मिशन मंगल में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 4 पे है डायरेक्टर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर P नारायण सिंह, चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन इन्होंने ही डिजाइन किए थे। और नंबर 3 पे है श्रीकांत CB, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर और इसरो के प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर, देश के प्रमुख खगोल शास्त्र भी है। और नंबर 2 पे है P वीर मुथुवेल, चंद्रयान 3 के समग्र मिशन प्रभारी, 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान चंद्रयान इनके ही टीम की कंट्रोल के अंदर में थे। और नंबर 1 पे है पूरे इसरो का चेयरमैन S सोमनाथ, पूरे मिशन की जिम्मेवारी इन्हीं पर थी। स्पेस इंजीनियरिंग में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में शामिल है। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।